अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हो, वेल तरीके से ब्रांडिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो और अपने खुद के बॉस बन सकते हो। तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सो आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी टाइप रेडी इन द कॉमेंट सेक्शन, टाइप रेडी इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू आर रेडी, टाइप रेडी इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, रेडी प्लीज 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 रेडी 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 ओके सभी लोग प्लीज। मुझे बहुत अच्छा लगे, हम आपकी चैट देख पा रहे हैं, आप लोग नहीं देख पाए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। प्लीज टाइप रेडी इन द कॉमेंट सेक्शन। चलिए चलिए, सो इसके बाद हम स्टार्ट करें, जस्ट मिनट, आर यू रेडी? तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मेरा नाम सत्य है, आई एम स्कूल ड्रॉप आउट और डिजिटल मार्केटिंग मेरा कोर डोमेन है, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस ऑटोमेशन। तो हम इसकी ट्रेनिंग्स कराते हैं, कंडक्ट भी करते हैं, सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आज इस सेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम सत्या है। तो अब देखिए, एम प्रेजेंटेशन क्या है, आप किसी भी किसी फील्ड में हो, लोग कहते हैं सर व्हाट्सअप मार्केटिंग करनी है, तो मैं कहता हूँ भाई आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस? तो कहते हैं टारगेट ऑडियंस, यस, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, इन विच एवर प्रोफेशन यू हैव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर टारगेट ऑडियंस, द डेटाबेस ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। मेक श्योर आपका डेटाबेस ही सब कुछ है आपका, फिर आपका द कलेक्शन ऑफ डेटाबेस, आपने सुन लिया कि भाई ये मेरा टारगेट ऑडियंस है और इस टारगेट ऑडियंस का ये डेटाबेस है मेरा, ठीक है, आपने सेलेक्ट किया ये मेरे टारगेट ऑडियंस का डेटाबेस है। अब उस टारगेट ऑडियंस का आपको डेटाबेस कलेक्ट करना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें सब, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग करना चाहते हैं, नंबर ब्लॉक हो जाता है। व्हाट्सएप मार्केटिंग में बहुत आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप जाओगे तब मार्केटिंग कर पाओगे, वैसे व्हाट्सएप अलाउ नहीं करता मार्केटिंग करना, ध्यान रखना व्हाट्सएप नेवर अलाउ मार्केटिंग। आपको क्या करना है, आपको हर चीज को मैनेज करना है, ध्यान रखना प्लीज। मैं चाहूंगा अपने जितने भी लोग जुड़े प्लीज अपना वीडियो स्टॉप कर दें, आप लोग वीडियो अलाउड नहीं है सर, ठीक है, वीडियो अलाउड नहीं है। चलिए ठीक है, ये आपका इस स्लाइड हो गया। तो मेक श्योर जब भी आप आए इस फील्ड में तो ध्यान रखना कि आपके आपके जो कस्टमर है, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, उसका डेटाबेस सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट डेटाबेस है। तो आप में से कमेंट सेक्शन में लिखें अपने बारे में योर प्रोफेशन, मैं उसमें से दो एग्जाम्पल उठाऊंगा लाइव, ठीक है, कि कैसे, जैसे मैंने कैसे क्या बताता हूँ कि जब मैं पहला वेबिनार वर्कशॉप में रखा था फिजिकल से 4 साल पहले, तो मेरे पास पैसे की दिक्कत थी, मैंने कहा अगर 15-20 हज़ार रुपये मैं फेसबुक पे खर्च करूंगा क्यों ना व्हाट्सएप पे ट्राई करूँ। तो पहले मेरा टारगेट ऑडियंस क्या था, मेरा पहला वर्कशॉप था हाउ टू बिल्ड ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस, तो मेरा पहला टारगेट ऑडियंस था टीचर्स, कोचिंग सेंटर्स के ओनर्स, स्कूल्स, ये मेरा मेन टारगेट थे। तो पहले मैंने पूरा डेटाबेस पूरा दिल्ली का एनसीआर का निकाला, भाई फिजिकल वर्कशॉप दिल्ली में है तो ऑब्वियस ही बात है तो डेटा भी एनसीआर का होगा। तो डेटाबेस मैंने पूरा निकाला और उससे मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं थे, आई हैड ओनली फोन, उस फोन से मैंने सारा मैनेज किया है। तो फोन डेटाबेस निकाला, उस डेटाबेस पे मैंने क्या किया, अपने वर्कशॉप की मार्केटिंग की इन्हें स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेटिव वे। तो आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से कोई भी ट्रेनर हो, कोई बिजनेस ओनर, प्लीज आप लोग अपना जो बिजनेस मेंशन करें, इसी में से मैं एग्जाम्पल लूंगा, दो मिनट रुक जाइए चैट सेक्शन खोल, यस मैं सबसे मेंशन करूंगा, आप लोग चैट सेक्शन में लिखा, मुझे चैट दिखाई दे रही है, होस्ट चैट देख सकता है, आप मेंशन करें अपना बिजनेस का नाम, उसी से मैं एग्जांपल लूंगा, प्लीज आपका नाम लेके उसमें आप इंट्रैक्शन में रहना। हम 44 के आसपास लोग हो चुके हैं इस ग्रुप में, 44 या 45 है, आई रिक्वेस्ट प्लीज आप अपना बिजनेस का नाम लिखें, उसी से एग्जाम्पल लेंगे ताकि थोड़ा रिलेटेबल लगे वो। आई रिक्वेस्ट प्लीज, अभी तक किसी की चैट नहीं आई, आप लिखिए, मैं देख पा रहा हूँ अपना। देखिए हरीश जी हैं, हरीश बिजनेस कंसल्टिंग का काम है, आगे प्लीज 3-4 लोग आप टाइप करें प्लीज। वेदांत जैन सर, ट्रेनर, किस चीज के ट्रेनर हो आप? ठीक है रौनक, तो पहला आपका जो आया है मेरे पास ये है आपका एक है वीवीएस हरीश का आया है, उसके बाद हमारे पास आया है आपके रमन शर्मा, रमन शर्मा कराते हैं अल्कलाइन वाटर मशीन, ठीक है। अब रमन शर्मा और आपका जो वीवीएस जी है, क्या नाम है इनका, बिजनेस कल्ट्री, इनके जो आपके कस्टमर्स कौन है, ठीक है, कस्टमर्स कौन है आपके, आपके कस्टमर्स कौन है, ठीक है, आपके कस्टमर्स कौन है? देखिए आपका जो कस्टमर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं, ठीक है,
नोटेबल टू हियर. मैं सर अपने हिसाब से काफी लाउड बोल रहा हूँ सर, और लाउड बोलता हूँ. हाँ, मेरी वॉइस ऑडिबल है शायद, अभी अभी ऑडिबल होगी मेरी वॉइस, ठीक है. तो ध्यान रखना, आप जो एक हरीश जी बिजनेस कंसल्टिंग है, एक अल्कलाइन वाटर कराते हैं, तो बिजनेस कंसल्टिंग में आपका टारगेट ऑडियंस क्या होंगे? अगर बिजनेस कंसल्टिंग में है आपका, आप हो सकता है डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, और जब अल्कलाइन वाटर आप देते हैं उसमें तो बहुत बड़ी ऑडियंस है आपके पास कोई भी, तो आपने पॉलिश ऑडियंस ली जिसकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है. डेटाबेस ऑफ डॉक्टर, डेटाबेस ऑफ लॉयर, डेटाबेस ऑफ सीईओ, पहले आप इन सबके डेटाबेस को निकालेंगे. आपने एक बार डेटाबेस निकाला, ठीक है, एक बार आपने डेटाबेस निकाला, और डेटाबेस निकालने के बाद आपने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेटिव वीडियो भेजना है. डोंट ट्राई टू सेल, आपको हमेशा सेलिंग नहीं करनी. मेक श्योर, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या आप ब्रांड बिल्ड कर सकते हो विदाउट सेलिंग? कैन यू बिल्ड द ब्रांड विदाउट सेलिंग? यस और नो, टाइप इन द कमेंट सेक्शन, यस और नो. कैन यू बिल्ड द ब्रांड विदाउट सेलिंग? आप ब्रांड बिल्डअप कर रहे हो बिना सेलिंग के, ठीक है ना, बिना सेलिंग के कर सकते हो? प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, कुछ के यस है, कुछ के नो. प्लीज मैं आपके पढ़ पाता हूँ. हरीश जी ने नो कहा है, रमेश शर्मा जी ने यस कहा है, साकेत सावंत ने यस कहा है. प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. रौनक जी ने यस कहा है. प्लीज प्लीज सभी लोग प्लीज, मैं आपके कमेंट सेक्शन पढ़ सकता हूँ. अब आप सोच रहे हो कमेंट क्यों बंद की, पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों को हमारी मुहिम अच्छी लग रही, तो कुछ ना कुछ कमेंट्स वमेंट लिख देते हैं जो आप पढ़ के बता नहीं सकते जरिए. अच्छा चलिए, विधान जी ने लिखा है कि आपको यस, विजय मित्तल ने कहा है यस, ठीक है, और कई लोगों ने ये सर जी करके हैं, उन्होंने नो लिखा है. बहुत लोगों का यस है और बहुत लोगों का नो है, ठीक है. तो आप जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, बहुत लोगों का यस है और बहुत लोगों का नो है, ठीक है. तो आप देखिए देखिए तो आप तो आप इसमें काम कर सकते हो. पहली चीज ध्यान रखना कि जब भी आप ब्रांड बिल्डअप करना चाहते हो, मेक श्योर आपका इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब मैंने स्टार्टिंग किया था, मैंने क्या किया, एक रेशियो रखा था 9:1. मैं 9 बार अपने एड भेजता था, दैट इज इन्फॉर्मेटिव एड, दैट इज विदाउट सेलिंग. जैसे आपका जो हर्ष, जो आपके एक, मैंने दो लोगों का एग्जाम्पल लिया था, बिजनेस कंसल्टिंग का है और दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया था आपका, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया आपका कि जो मतलब आपको अल्कलाइन वाटर बेचते हैं. तो अगर मेरा एक वीडियो होगा कि भाई अल्कलाइन वाटर घर पे आप कैसे बनाएं, अल्कलाइन वाटर के फायदे क्या है, मुझे पता है सब लोग घर पे नहीं बना सकते, बट कुछ लोग कहेंगे यार हम इसकी सर्विस लेना चाहते हैं. तो मेक श्योर जब आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हो, जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने अपना पहला वेबिनार रखा था, सॉरी वर्कशॉप रखा था, तो मैंने सिंपल एक वर्कशॉप रखा कि आप घर बैठे ऑनलाइन टीचिंग से 1,00,000 रुपए कैसे कमा सकते हैं. और मैंने उसके इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देना चालू किया. हुआ क्या, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट से लोगों को अवेयरनेस आई. जब अवेयरनेस आई उसके बाद एंगेजमेंट हुआ. तो मेक श्योर आपके इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट विदाउट सेलिंग, मेक श्योर विदाउट सेलिंग, वो डिफरेंस करते हैं. जब भी हमारे पास एड आता है, जब एड आता है, आप यकीन नहीं करो कितने में से आप लोगों में से एक हैं जो इरिटेट हो जाते हैं. कोई भी ऐड आए, चाहे वो SMS से आए, चाहे WhatsApp से आए, आप में से कौन कोई इरिटेट होता है? टाइप आई इन द कमेंट सेक्शन, टाइप आई इन द कमेंट सेक्शन. यस, सावन जी ने आई किया है, सर जी ने आई किया है. यस प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. यस, रमन जी ने आई किया है, शिखर जी ने आई किया, अजय जी ने आई किया, रेडमी जी ने आई किया, बहुत बढ़िया. बट मेक श्योर एक सवाल और पूछता हूँ आपसे, जैसे अल्कलाइन वाटर का आपके पास इन्फॉर्मेटिव वीडियो जाए कि अल्कलाइन वाटर घर पे कैसे बनाए कम दाम में, आपको लगा ये वीडियो बड़ा अच्छा है, ठीक है, पर अगर ये झंझट ना करूं. देखिए हम लोग आज की प्रेजेंट जनरेशन वो सबसे ज्यादा आलसी है, सबसे ज्यादा आलसी है, आप माने ना माने. हम चाहेंगे कुछ ना कुछ रेडीमेड मिल जाए, तो हम कहेंगे कौन सा है जो प्रोवाइडर कम से कम दाम में हमें अल्कलाइन वाटर दे सकता है, बना सकता है, सिस्टम लगा सकता है. तो पहली चीज हमने इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखा और उसके ऊपर कंटेंट भी देखा, उसको हमने कॉन्टैक्ट किया, हमने कुछ चीज किया. अब उल्टा हो रहा है, अब कस्टमर आपको चीज कर रहा है,
ठीक है, एक और एग्जांपल में ट्रेनिंग फील्ड कर, इसमें से एक ट्रेनर था हीलर है, आपने बहुत बड़ी बड़ा कि साउंड इस मंत्रा से अगर आप इतने बार दिन में करें तो आपके ब्रेन में ये इफेक्ट होगा, इससे आपकी हीलिंग होगी। अधिक जानकारी के लिए आप पास ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करें, यू विल गेट फ्री ईबुक। मेक श्योर गिव इंफॉर्मेटिव वीडियो, जब आप किसी को इंफॉर्मेटिव कंटेंट देते हो विदाउट सेलिंग, आप यकीन नहीं करोगे, आप एक तरह से ट्रस्ट बिल्डअप कर रहे हो। तो मेक श्योर योर इंफॉर्मेटिव एड इज की इन द व्हाट्सएप मार्केटिंग। तो ध्यान रखना, रेशियो मेरा तो ध्यान रखना इज 9:1, ठीक है। रेशियो क्या है दोबारा बताता हूँ, रेशियो इज 9:1, 9 बार आपका इंफॉर्मेटिव एड जाना चाहिए, 1 बार आपका सेलिंग एड जाना चाहिए, क्योंकि ना आपको कोई जानता है ना मुझे कोई जानता है। तो जब आपका कंटेंट गया, इन्फॉर्मेटिव सेट, आपको इन्फॉर्मेटिव एड गया, क्या होगा, लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। सेकेंड, गिव समथिंग फ्री। ये जो आपका कोर्स आप देख रहे हो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम मार्केटिंग, इट इज नॉट जस्ट व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम मार्केटिंग, इट इज मोर अबाउट हाउ टू डिजाइन एड, हाउ टू एंगेज द एड ऑडियंस, हाउ टू ब्रिंग द ऑडियंस, कैसे ऑडियंस को लेके आना है, कैसे उस ऑडियंस में ऑटोमेशन करना है, कैसे उस ऑडियंस को, उस ऑडियंस से आपको गूगल फॉर्म भराना है, पेमेंट कलेक्ट करना, ये सब है। पर आप इस वर्कशॉप से, चाहे हमारा पेड प्रोग्राम आप खरीदें या ना खरीदें, मेक श्योर आप खरीदें या ना खरीदें, पर इस वेबिनार से आप कुछ न कुछ लेके जाए, तो आपके लोग वैल्यू में कुछ न कुछ आप लेके जाए वैल्यू, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप कुछ न कुछ यहां से लेके जाए। तो ध्यान रखना, पहली चीज तो ये है कि आप अपने इंफॉर्मेटिव कंटेंट डिजाइन करें, जो आपका बहुत जरूरी है। तो आपने एक टारगेट ऑडियंस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं आजकल, तो विद इन मिनट्स आपको हजारों का डेटा निकाल सकते हैं पार्टिकुलर रीजन का। आप अगर आपने डाला डॉक्टर इन रोहिणी, पूरा डॉक्टर जितने भी रोहिणी दिल्ली में सबके निकल जाएंगे, डॉक्टर इन न्यू दिल्ली, सारे की न्यू दिल्ली का डेटाबेस आपके पास आ जाएगा, डॉक्टर इन वैशाली, डॉक्टर इन पटना, ठीक है। वैसे आप जो प्रोफेशन टाइप करोगे, टीचर्स इन गुवाहाटी, टीचर इन बांग्लादेश, आपका सारा डेटा गूगल से, फेसबुक से, ये एक्सट्रैक्शन के टूल सॉफ्टवेयर आते हैं जो मिनटों में डेटा निकाल लेते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग वालों के पास जाते हैं सर डेटा, वो डेटा ऐसे ही निकालते हैं, डेटा एक्सट्रैक्शन के टूल आते हैं बहुत सारे। तो पहले आपने डेटा निकालना, उस आपका डेटा इज अ गोल्ड माइन, पर उस गोल्ड माइन को आप मनी मेकिंग मशीन में कन्वर्ट करोगे, वो बहुत जरूरी कि आपने उस डेटाबेस को इतना एंगेज किया। फॉर द एंगेजमेंट यू हैव टू मेक वंडरफुल वीडियोस, आपको बहुत अच्छे वीडियोस पे काम करना पड़ेगा। अब आपको सर वीडियोस क्यों, राइटअप क्यों नहीं, वीडियोस इसीलिए क्योंकि वीडियो ही आजकल चल रहे हैं, राइटअप नहीं चल रहा। वीडियो मार्केटिंग आजकल टॉप पे, राइटअप जो है उसकी वैल्यू नहीं रही। वीडियो मार्केटिंग टॉप पे, वीडियो लोग फॉरवर्ड करते हैं, लोग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि आप इस 3 मिनट के वीडियो में वो सब बता सकते हो, कोई 3 मिनट का एड आपका नहीं पड़ेगा। तो मेक श्योर आपका वीडियो एड वो आपकी यूएसपी है। देन आपने वीडियो एड भेजा, नीचे छोटा सा राइटअप भेज दो, तो वहीं आपका वीडियो लोगों ने देखा, फिर आपको कॉन्टैक्ट करेगा, चेज करेगा, तो मेक श्योर वहीं से आपके ब्रांड बिल्डिंग, देन यू कैन सेल योर प्रोडक्ट ऑन द व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप पे ही पूरा कैटलॉग शेयर करके पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करके व्हाट्सएप पे ही भेज सकते हो। अब कहोगे व्हाट्सएप ने तो कोई पेमेंट गेटवे लॉन्च नहीं किया। यस, व्हाट्सएप ने कोई पेमेंट गेटवे लॉन्च नहीं किया, पर दूसरे पेमेंट गेटवे पेयू मनी है, इंस्टा मोजो है, आप सब इनबिल्ट कर सकते हो और व्हाट्सएप से ही पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप में ही लेबलिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप में कैटेगराइज कर सकते हो। अगर आपके पास वेबसाइट हो ना हो, व्हाट्सएप आपका, आप व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप नॉर्मली व्हाट्सएप बिजनेस इज एक्टिंग लाइक ए मिनी वेबसाइट। तो आप में से कितनों के पास व्हाट्सएप बिजनेस है, टाइप डब्ल्यू बी इन द कमेंट सेक्शन, डब्ल्यू बी, और जिनके पास व्हाट्सएप नॉर्मल है तो टाइप डबल डब्ल्यू इन द कमेंट सेक्शन, डबल डब्ल्यू। कितनों पर व्हाट्सएप बिजनेस है, लोगों को पता ही नहीं व्हाट्सएप बिजनेस कुछ होता है, डब्ल्यू। यस, अजय शर्मा के पास नहीं है, ठीक है, यस प्लीज, जिनके पास नहीं है वो डब्ल्यू दो बार टाइप करें। यस, मुरलीधर के पास नहीं है, अच्छा, गुप्ता जी के पास नहीं, मेरठ के सर जी के पास नहीं, हरीश जी के पास नहीं है, सुरेश जी के पास नहीं है, वेदांत जी के पास नहीं है, प्लीज सभी लोग प्लीज टाइप करें, प्लीज प्लीज। दिनेश जी के पास है, बहुत बढ़िया, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, टाइप करें कमेंट सेक्शन में, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। रोहन जी के पास है, बहुत बढ़िया, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, यस यस टाइप इन द कमेंट सेक्शन, सभी लोग प्लीज टाइप करें कमेंट सेक्शन में, प्लीज आप सबसे मेरा अनुरोध है टाइप करें कमेंट सेक्शन में। अभी 45 लोग हैं। रवि जैन के पास नहीं है, बहुत कोई बात नहीं, विजय मित्तल जी के पास नहीं है, तो मेक श्योर
आपका पूरी मार्केटिंग व्हाट्सएप नॉर्मल पे नहीं होगी, व्हाट्सएप बिजनेस पे होगी। सुरेश मेहता जी का है कि नहीं उनके पास, बहुत कोई बात नहीं सर, ये बताना हमारा काम है। तो पहली बात, व्हाट्सएप बिजनेस ही आपका मेन है, जो जो आगे आपका एक गेम चेंजर की तरह साबित होगा। तो मेक श्योर व्हाट्सएप बिजनेस आपकी की है, ठीक है। तो कितने लोग रेडी हैं कि व्हाट्सएप बिजनेस के आप फीचर्स जानने के लिए? अगर आप रेडी हैं तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, टाइप यस। अजय जी का आ गया, अश्विनी गुप्ता जी का आ गया मेरठ से, दिनेश जी का आ गया, वाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आपका, ठीक है। मुझे थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं अपने मोबाइल पे कन्वर्ट लेके जा सकूँ, तो मिनट दीजिए, ठीक है। आपको थोड़ी सी असुविधा होगी थोड़ी सी, तब तक प्लीज वेट कर लीजिएगा। तब तक मैं सिस्टम से कनेक्ट कर रहा हूँ अपने, प्लीज आपसे अनुरोध है तब तक प्लीज लाइन पे रहें। सर कुछ लोग वेटिंग रूम में, इनको भी एंट्री दे दी सर। आप में से कितनों को विजिबल है मेरा ये फोन? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके कुछ चैट सेक्शन देख सकता हूँ प्लीज, टाइप यस। ओके चलिए, आप लोगों का यस आ रहा है। दिनेश जी ने बोल दिया, रौनक जी ने बोल दिया, धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद। तो आपने बता दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जब हम आपका, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरा व्हाट्सएप बिजनेस है, तो व्हाट्सएप बिजनेस इस टाइप का होता है, डब्लू डब्लू ए और ये एक और दो नंबर है मेरे पास, हम अलग अलग नंबर से अच्छा हरीश जी ने लिखा है कि आप जी वेब वर्जन में क्या होता है, कुछ डिफिकल्टीज होती हैं, बहुत सारे फंक्शन वेब वर्जन में काम नहीं करते, व्हाट्सएप वेब में काम नहीं करते, क्योंकि व्हाट्सएप वेब, व्हाट्सएप नॉर्मल, ये व्हाट्सएप वेब में, व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप नॉर्मल एक ही तरह से खुलता है, तो कई फीचर व्हाट्सएप वेब के काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपने ये एक मेरा अकाउंट है जो मैंने बताया है, मैं केवल दिखाना चाहूंगा स्टार्ट, ठीक है, जब तक ये घूम रहा है। व्हाट्सएप बिजनेस सबसे बड़ा फीचर ही होता है कि जैसे व्हाट्सएप का ये बिजनेस है, इसमें आपको अपना पूरा डेटा डालना पड़ता है। यहाँ आप सेटिंग्स में गए, आपने क्लिक किया तो आपको पूरा भाई आपका एड्रेस क्या है, पूरा पूरे डिटेल आपको डालना पड़ेगा, वेबसाइट क्या है। तो जैसे एक क्लिक पे बंदा क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो सारी डिटेल आपकी देख सकता है, पहली चीज तो ये। दूसरी बात, आप व्हाट्सएप में अपना पूरी कैटलॉगिंग कर सकते हो, पूरा डेटा डाल सकते हो। मीन्स आपने एक मैसेज किया, ठीक है, आपने एक मैसेज किया, आप में से कितने लोग हैं, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ये आपका हो गया 27 है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, आप सबसे अनुरोध है दो मिनट देना, कॉपी मैंने इसमें टाइप कर दिया इन द कमेंट सेक्शन। तो हाँ, दो मिनट दीजिएगा सेशन में, इस चैट में आप सबके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, प्लीज
उसको आप ज्वाइन करें, फिर मैं बताऊंगा टास्क उसमें क्या करना, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, प्लीज़ यू कैन ज्वाइन। ठीक है, उसी में बताऊंगा कैसे कैसे आपको करना है, इजीली हो जाएगा और आपको आसानी भी होगी। यस प्लीज़, सबसे रिक्वेस्ट है जो लोग इसमें आ जाएं, उसे उसे अंदाज़ा लग जाएगा आपको कैसे क्या करना है, कैसे करना, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे ही भरने वाला है, 250 लोग उसमें होने वाले हैं। ठीक है, यस। तो पहली चीज़, यस, इसी में आपको बताऊँ कैसे करना है। ठीक है, ओके ओके, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए। तो पहली चीज़ तो ये है आपका कि आपके पास व्हाट्सअप का, देखिए सब लोग आने लगे हैं इसमें ग्रुप में, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जितने लोग आप व्हाट्सअप मेरे गए, सॉरी यहाँ गए आप, कैटलॉग में गए, तो मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है। मैंने ये दो दो कोर्स बनाए, अपने यूट्यूब का कोर्स बनाया है, होम का सिंपल बनाया है। तो मैंने क्या किया, यहाँ मैं गया, इसमें बताना कैटलॉगिंग बहुत ईजी है, यहाँ गया मैंने कुछ भी रैंडमली कुछ फ़ोटो ले ली, ठीक है ना, मैं गैलरी में से कोई भी फ़ोटो मैंने ले ली जो मुझे स्क्रीनशॉट में अच्छी लगी, कुछ भी रैंडमली मैंने सिंपल किया, एक ही डाला, नाम डाल दिया पेरेंटिंग, पेरेंटिंग पेरेंटिंग कोर्स डाल दिया, प्राइस डाल दिया इसका 600 रुपये। ठीक है, मोर फील्ड में गया, अब यहाँ जाके डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ उसका, लंबा अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं यहाँ गया, मैंने व्हाट्सअप का ही, सपोज ये व्हाट्सअप का कोर्स है मेरा, सपोज सिंपल सपोज व्हाट्सअप का है, मैंने ये पूरा कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल ए, मैं केवल दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास समय की कमी थोड़ी सी, यहाँ गया इधर गया, कंट्रोल ए, पेस्ट, पूरा पेस्ट हो गया। देखिए इतना कम पेस्ट नहीं हुआ, बहुत बहुत पेस्ट करना होता है पेरेंटिंग कोर्स, जैसे बता रहा हूँ मैं आपको जल्दी जल्दी। तो आपने सेव कर दिया, सेव करने के बाद यहाँ गए, फिर आपने एडिट किया, एडिट करने के बाद पेमेंट गेटवे डालना है, आप पे यू मनी का पेमेंट पेमेंट लिंक डाल सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ गया, मैंने एक पे यू मनी का लिंक अपने राइटअप से उठाया, जस्ट ए मिनट, यस उठाया, डिजिटल मार्केटिंग का ये उठाया और इसको सिलेक्ट टेस्ट किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ गया और मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ जाके 50 डाल दिया, 59 कुछ ये कोड डाल दिया जो मेरे रेफरेंस का है, क्या डाल दिया, इसमें सेव कर दिया। अब मैं इसको सीधे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा। ठीक है, यहाँ मैं गया, अब ये ऐड लाइव हो रहा है। ठीक है, तो जो मैंने पिछला बनाया उसको दिखाता हूँ, यूट्यूब कोर्स पे गया मैं, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी लिंक किया, यहाँ नीचे गया मैं, नीचे जाने के बाद मैंने आप ही के व्हाट्सएप ग्रुप में ये डाल दिया, 2 मिनट लीजिए, लीजिए यूट्यूब का कोर्स आ गया, आपके पास ये डेटा आ गया। जैसे आप क्लिक करोगे क्या दिखाई देगा आपको, ये दिखाई देगा, और यहाँ आप पेमेंट भी कर सकते हो अगर पेमेंट मैंने लिंक दिया होगा तो, और यहाँ सी ऑल मेरे सारे प्रोडक्ट भी आप देख सकते हो, देखिए ये आप सारे प्रोडक्ट देख पा रहे हो जो मैंने डिजाइन किए, तो जिनमें पेमेंट गेटवे इंडिकेट किया होगा वो डायरेक्ट पेमेंट भी हो जाता है। जैसे मैं आपको दोबारा बताऊँ, यहाँ में जो मैंने बताया बनाया था, जस्ट ए मिनट, पेमेंट में नहीं डाल पाया शायद उसका कैटलॉग, यस ये भी लाइव नहीं हुआ, लाइव नहीं हुआ अभी, ठीक है लाइव होने में टाइम लगेगा, तब तक मैं लाइव होने में समय लगेगा, कुछ टाइम लगता है तब जाके चीज़ एक्टिवेट हो जाती है। जस्ट मिनट, मैंने इस पेमेंट गेटवे डाला है, यस इसमें मैंने डाल रखा है, कॉपी किया, अब कॉपी करने के बाद मैं यहीं गया और यहाँ जाके मैंने क्लिक किया, लुक एट दिस, ये आ गया। अब यहाँ मैं क्लिक करके पेमेंट चाहूँ, क्लिक किया, लीजिए, मैं सीधे पे यू मनी पे चला गया, मैं डायरेक्ट पेमेंट कर सकता हूँ अपना, देख पा रहे हैं आप लोग। तो पहले चीज, व्हाट्सएप से ही आपने देखिए क्या क्या भेज सकते हैं आप, इसमें प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की इंट्रो वीडियो, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट के फोटो भेज सकते हैं, और 20 आइटम 20 कैटलॉग में आप आराम से ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है कि सिंगल शॉट में आपका सारा कैटलॉग जा रहा है, सारा कैटलॉग। अब जब कैटलॉग आ गया, लोग कहेंगे कैटलॉग तो आपने दे दिया, अब हम शॉर्टलिस्ट कैसे करें, आपके पास दुकान शायद आपके पास सपोज, सॉरी हाँ, आपके पास दुकान किस चीज़ की, सपोज आप ज्वेलरी बेचते हैं, हो सकता है उसे को कंगन चाहिए होगा, हार चाहिए होगा, या कुछ कुछ और चाहिए होगा, तो जैसे क्वेरी आएगा आपको कैसे शॉर्टलिस्ट करोगे उसको, शॉर्टलिस्ट करना बहुत आसान है। यहाँ आप गए, आपके पास कोई भी क्वेरी आई, ठीक है ना, क्वेरी आई आपके पास जो जो इंडिविजुअल आई, जैसे ये क्वेरी आई, तो यहाँ मैंने क्लिक किया और इसको क्या करें, लेबल में, लेबल द मैसेज, लेबल में गया और लेबल में क्या किया मैंने, कुछ भी इंटर्नशिप का डाल दिया, क्लिक कर दिया, ठीक है ना, इंटर्नशिप कर दिया या क्वेरी कर दिया, सेव। तो आपने क्या किया, लेबलिंग कर दी,
तो आप लगभग इतने लेबल्स बना सकते हो, देखिए इतने लेबल्स बना सकते हो, ये तो मेरा एक है, तो आप लगभग 20 लेबल्स ऐड कर सकते हो अलग अलग प्रोडक्ट के, और इसमें ऑटोमेशन डाल सकते हो, जैसे आपने क्लिक करा ऑटोमेटिक उनके नंबर आ जाएंगे, उनको सीधे पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपने लेबलिंग भी कर दी, आपने कैटलॉग बनाया, कैटलॉग फेंक दिया, उसको अगर उसने इंटरेस्ट दिखाया तो उसके उसके मैसेज को आपने आपने लेबल कर दिया भाई ये क्वेरी इश्यूज की, तो आपकी खाता बुक बन गई एक तरह से। ये सबसे बड़ा फायदा है लेबलिंग का, फर्स्ट ऑफ ऑल कैटलॉगिंग का, देन इसका लेबलिंग का। अब इसमें चाहते हो यार मैं चाहता हूँ मेरा कुछ काम ऑटोमेशन कर दे, जब भी आपको ये आपको मैसेज करे ऑटोमेटिक आपके पास मैसेज जाए, वो भी बहुत ईजी है, वो भी बहुत ईजी है। आप में एक मेरा एक नंबर आप सेव कीजिए, ऑफिस का नंबर है, जस्ट अ मिनट, ये नंबर आप सेव कीजिए। यस आप ग्रुप में, बहुत बढ़िया, मैं जो मीटिंग में है, नंबर है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, ठीक है, कि आप किस हद तक ऑटोमेशन बिल्ड कर सकते हो। ये नंबर पहले सेव करना है आप प्लीज़, ठीक, बताऊंगा बेसिक ऑटोमेशन कैसे लगा सकते हो, ठीक है। ये नंबर सेव करने के बाद आप यस करना, फिर बताऊंगा क्या आपको टाइप करना है, क्या आपको प्लीज़ टाइप करना है, ठीक है। पहले आप सेव, जिन्होंने सेव कर लिया टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन अगर आपने मैसेज नंबर सेव कर लिया है, ठीक है, सेव करना पड़ेगा आपको नंबर, तभी हो पाएगा। जब आप सेव कर लें तो प्लीज बता दें मुझे, जब आप नंबर सेव कर लें तो प्लीज बता दें, ठीक है। हाँ जब आप नंबर सेव कर लेंगे, ध्यान रखना आप यहाँ जाए, एक होता है छोटा ऑटोमेशन बिल्ड करना, छोटा ऑटोमेशन, यहाँ सेटिंग में गए, विंस अकाउंट में गए, अवे मैसेज, यहाँ मैं जो मैसेज डालूंगा, देखिए ये मैंने मैसेज डाल के रखा है, डाउनलोड टेलीग्राम ऐप, हाँ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमारे वेबिनार की, ये मैंने शेड्यूल डाल के रखा है, तो जैसे भी आप तो फर्स्ट टाइम जो मतलब मैसेज करेगा मुझे बंदा, ऑटोमेटिकली उसके पास ये मैसेज पहुंच जाएगा, ये मैसेज पहुंच जाएगा। क्लिक कीजिए, सेव कर दीजिए। ग्रीटिंग मैसेज में जाऊँगा तो एक और ग्रीटिंग मैसेज पहुँच जाएगा जो मैं पहुँचाना चाहता हूँ, क्लियर। अब देखिए आप में से जिन्होंने नंबर सेव कर लिया है, ठीक है, जिन्होंने नंबर सेव कर लिया है, टाइप नमस्ते इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, टाइप नमस्ते इन द कमेंट सेक्शन, नमस्ते, हाय हाय लिख के भेज दें मैं इस नंबर पे, ऑटोमेटिक उनके पास मैसेज जाएगा, ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा उनके पास, ठीक है। अब देखिए मैं ये ट्रैक कर सकता हूँ कितने मेरे पास मैसेज आए, कितने मैंने मैसेज देखे हैं, ठीक है, तो आप देखिए ये देखिए मेरे पास, ये देखिए मैसेज आ चुका है इनके पास, ठीक है, ये जो नंबर दिया इस नंबर का दिया है भाई, यूज कम करता हूँ। आप इसमें आप मेरी स्टैट देखो एक नंबर की, कि कितने नंबर मेरे पास अभी तक उस पर मैसेज आ चुके हैं, आप सब लोग हैरान रह जाएंगे कि इतना ट्रैफिक आप व्हाट्सएप बिजनेस से मैनेज कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा, 10-20 सेकेंड लेगा आने के लिए, क्योंकि डेटा बेस इसमें ज़्यादा है थोड़ा सा इस नंबर पर। तो आप देखिए ये जितने टूल बता रहा हूँ मैं आपको फ्री बता रहा हूँ, कुछ पैसे नहीं लगने आपके, कुछ पैसे नहीं लगने आपके, आप बिना पैसे के ये चीज़ मैनेज कर सकते हैं। 2 मिनट दीजिए, ये लगभग 15-20 सेकेंड लेगा, तब तक आएगा ये, ताकि आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि एक एक मैसेज ट्रैक कर सकते हैं, मैसेज आपने रिसीव कितने किए, कितने मैसेज आपने देखे, कितने का आपने रिप्लाई किया, टोटल मैसेज कितने आए, वो स्टैट आपको दिखा देगा व्हाट्सएप बिजनेस, आपको स्टैट दिखा देगा। ये इजीली है, इजीली इफेक्टिवली कर सकते हो। चलिए 2 मिनट आप दीजिए, थोड़ा सा सिस्टम से, दो अकाउंट है ना तो एक अकाउंट में थोड़ा आने में समय लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। सर मुरली जी हम सबके जवाब देंगे अभी, जैसे सेशन एंड में आपके सारे सवालों लेंगे, क्यों नहीं लेंगे हम आपका, आप कमेंट लिखना, कमेंट में आपको जवाब देंगे प्लीज, वॉइस नहीं खोलेंगे सर, कमेंट में आपका जवाब देंगे प्लीज, ओके प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। 2 मिनट दीजिए, घूम ही जा रहा है, आ ही नहीं रहा, टाइम दे रहा है, स्टेट्स टेक्स टाइम होते हैं, हाँ वो टाइम लेगा थोड़ा सा, ठीक है। सर आज भी कुछ शरारती तत्व हैं, देखिए आप ये देखिए मेरे पास टोटल मैसेज रिसीव 4 लाख मैसेज में रिसीव 4,02,000 समथिंग, प्लीज आप लोग देख पा रहे हैं, प्लीज लिखें कि कितने मैंने मैसेज रिसीव कर लिए, टाइप इन द कमेंट सेक्शन कितने मैसेज रिसीव कर लिए मैंने, आप खुद टाइप कीजिए, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन,
कितने मैसेज रिसीव कर ली मैंने, तो आपको अंदाजा लग जाएगा, देख पाएंगे आप। ठीक है, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन कितने मैसेज मैंने रिसीव कर लिए, प्लीज जो लोग देख पा रहे हैं प्लीज। ठीक है, प्लीज ठीक है, हाँ प्लीज अ रिक्वेस्ट, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लिखिए कमेंट सेक्शन में कितने हैं, मैं देख पाऊंगा। ठीक है, अभी तक मेरे पास कमेंट नहीं आए। यस, वो हरी जी ने लिखा है, बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया, हरी जी ने लिखा है। ओके ओके, अरविंद जी लिखा है, सर जी लिखते भाई इतने कैसे कर लिए, सर बहुत इजी है ये, डिफिकल्ट नहीं है, ये डिफिकल्ट नहीं है, आराम से आपका कर सकते हो। ठीक है, 4 लाख मैंने मैसेज रिसीव किए, ठीक है ना, एक वीक पहले 3 लाख था। यस, देखिए हर हर वीक में मैसेज मेरे पास ज्यादा आते रहते हैं, तो लास्ट वेबिनार आपने अटेंड किया तो शायद 3 लाख के आसपास था। आप देखिए कितने मैसेज रिसीव मैंने रेड किए हैं, 32,000 मैंने रेड कर चुके हैं, मैसेज डिलीवर कितनी 32,000 36,000 कर लिए मैंने। ठीक है, और मैसेज सेंड कितने 52,000 मैंने मैसेज सेंड किए। ठीक है, समटाइम द चैट इज गेटिंग सर्वी, तो ये आप देख पा रहे हैं इतने मैसेज मैंने एक में मैनेज किए हैं, एक अकाउंट में है, और हम लोग लगभग 4-5 अकाउंट मैनेज करते हैं। आप सोच सकते हो जितना भी ट्रैफिक हम पा रहे हैं हम 1 रुपया नहीं खर्च कर रहे। ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटिंग खुद कंपनी चलाता हूँ, मैं 1 रुपया खर्च नहीं करता अपने मार्केटिंग में, 0 cost मार्केटिंग। ठीक है, और यही USP है मेरी और यही USP आपकी होनी चाहिए कि मिनिमम दाम पे आपको कैसा खर्चा चलाना है। ठीक है, अब ये देखिए जिन लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, आपके पास जो मैसेज आए हैं, देखिए सबके मैसेज आ रखे हैं, आप देख पा रहे हैं, ऑटोमेटिक मेरे पास उनका मैसेज चला गया, ऑटोमेटिक मैसेज गया है, देखिए मैंने मैसेज नहीं डाला, आप देखिए सबके सामने है, कुछ ना कुछ मैसेज गया है। अब मैं और मैसेज चाहता हूँ, जो और मैसेज मेरे पास आए तो आप सब तैयार हो जाएं। ठीक है, आपको कुछ कमांड बताऊंगा, उस कमांड के हिसाब से आप टाइप करें, जो मैं बताऊंगा, जो मैं टाइप बताऊँ प्लीज इसमें वेलकम टाइप करें, डाउनलोड टाइप करें। ठीक है, वेलकम टाइप करें, डाउनलोड टाइप करें, वेलकम डाउनलोड, नमस्ते, सब स्मॉल्स में टाइप करें, और लास्ट में टाइप कीजिए IIT G। ठीक है ना, IIT टाइप करें, IIT। ठीक है ना, आप देखेंगे, और लास्ट हो गया ऑटोमेशन। आपको हर एक में आपको अलग अलग, नहीं आप मुझे वो जो नंबर मैंने आपको दिया उस नंबर पे करें आप मैसेज, वो जो नंबर आप ये दिया मैंने आपको, जो नंबर मैसेज किया आपको उस नंबर पे मैसेज करें। ध्यान रखना हर मैसेज में 20 सेकंड का टाइम आप छोड़ें, मैं नंबर दोबारा बताता हूँ, इस नंबर पे आप करें मैसेज, इस नंबर पे प्लीज मैसेज करें, तो आपको अलग अलग आएंगे। ठीक है, प्लीज मैसेज करें, नहीं आप पहले वो नंबर सेव करें, ये जो नंबर मैं बता रहा हूँ आपको प्लीज, ये नंबर एवरीबडी मैं दोबारा बता रहा हूँ 8566 अभी आपके पास आएगा, सॉरी ये नंबर पहले आप सेव करें फिर मुझे आप मैसेज करें। पहले डाउनलोड टाइप करें, फिर वेलकम टाइप करें, फिर नमस्ते टाइप करें। ठीक है, यस, आपको नंबर सेव करना पड़ेगा प्लीज, यू हैव टू सेव द नंबर, पहले आप नंबर सेव करेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, यस, हाँ पहला कोड है आपका, यस पहला कोड है आपका डाउनलोड, डाउनलोड लिखिए, दूसरा है वेलकम, तीसरा है नमस्ते, डाउनलोड वेलकम नमस्ते, हर एक के टाइप करने प्लीज 20 से 30 सेकंड का टाइम दें आप, कम से कम 20 सेकंड का, मिनिमम 20 सेकंड का, आपके पास ऑटोमेशन ऑटोमेटिक आपका जवाब देगा, ऑटोमेटिक। ठीक है, और ऐसे 25-30 सवाल आप डाल सकते हो जैसे आपका कस्टमर चाहे। ठीक है, मैं खोल रहा हूँ, देखिए एक आपके पास गया है, नहीं प्लीज एकदम नहीं, आप मेरे सेटिंग्स में 20 सेकंड का डिले देखिए, नमस्ते लिखा, थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग द ऐप, आपके पास अलग मैसेज किया जिन्होंने नमस्ते किया। ठीक है, नीचे आप देखेंगे टाइम मैनेजमेंट वाले सर ने मैसेज किया है वेलकम, मैसेज अलग गया जो मैंने इनबिल्ट करके रखा है। फिर आप देखिए आगे आप जाएंगे जिन्होंने मैसेज किया है प्लीज मेक श्योर। ठीक है, मेरे देखिए मुझे मैसेज मत कीजिए, SMS नहीं कर रहा मैं, व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ। देखिए हर एक के पास
ये मैसेज देखिए, एक मैसेज ये गया, एक मैसेज ये गया, एक मैसेज ये गया, मतलब तीन उन्होंने डिफरेंट टाइप के मैसेज मैंने तीनों बार डिफरेंट उनके उनके पास राइटअप गया है। तो ये ऑटोमेशन इनबिल्ड आप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे इजीली इफेक्टिवली, और ये फ्री है, इसके पैसे नहीं लगते, इसके फ्री है, इसके पैसे नहीं लगते। आप में से बहुत के पास मैसेज आ चुका हो और एकदम कुछ आने में एकदम टाइम लगता है, अचानक लोड पड़ता है, धीरे धीरे टाइम, इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो लगभग बहुत के पास मैसेज आ चुके, जिनके पास मैसेज आ रखे हैं हाँ प्लीज वो टाइप इन द कमेंट सेक्शन, जिनके पास मैसेज आया है प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, टाइप इन द कमेंट सेक्शन यस और नो, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, जिनके पास मैसेज आया है यस, ठीक है, यस रमन जी के पास आ गया। अब कितने लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में है हमारे, ठीक है, जो लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में है, मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप को खोलता हूँ, आप देखेंगे इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास, उसमें आप टाइप कीजिए मैसेज आए कि नहीं आए, ठीक है ना। अब मैं इसको खोला, मैंने सेटिंग्स में खोला, जैसे सेटिंग खोला, हाँ एक श्योर में बता दूँ, कुछ लोग हैं जो हमें दो तीन दिन से तंग कर रहे हैं, मैसेज खराब भेजते हैं या कुछ किसी, मेक श्योर आपका एक मैसेज और आया ना तो सीधे मैं साइबर क्राइम पुलिस को बोल दूंगा और आपको घर से उठवा लूंगा। तो मेक श्योर या वो बदतमीजी ना करें जो आप जूम पे कर लेते हैं, जूम पे नंबर ट्रैक नहीं होता, यहाँ आपका नंबर ट्रैक हो जाएगा, ध्यान रखना। और एज ए कंपनी में ऐसा केस ठोकूंगा कि जिंदगी भर आप मतलब आपको चक्कर ना काटने पड़े, मतलब जेल गए तो मेरा नाम सत्या नहीं है, ठीक है, ऐसे मक्कारों को मैं छोड़ता नहीं हूँ। मेक श्योर तीन चार दिन से जिन लोगों की दुकानें ठहरी हमारी वजह से, कमेंट में कई बार वो कमेंट करते हैं जो अच्छे नहीं लगता, कई बार वीडियो ऑडियो में आके कई बार अनसन बोलते हैं, तो ये लोग वो हैं जिनका हमें डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस चौपट कर दिया है। हम लोगों ने फ्रेंड लिया है कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे इंटर्नशिप पे, हम 3 महीने की इंटर्नशिप लेके आए जिसके लोग बाहर 4 से 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कीजिए, ताकि डिजिटल मार्केटिंग का जो बहुत बड़ा धंधा मतलब लोगों ने बना रखा है उसे चोट लग सके। तो कुछ लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, तो जैसे मछली को निकाल लो बात तो फड़फड़ाती है, वैसे फड़फड़ाहट निकाल रहे हैं आके। तो मेक श्योर आप में अगर आप एक माँ के बेटे हो ना तो यहाँ मैसेज कीजिए, फिर दिखा दो तुम्हें रौंद के रख दूंगा तुम लोगों को, ठीक है, यहाँ मैसेज कर बताता हूँ मैं आपको, यही से सीधे तुम्हें उठवा लूंगा पुलिस से। प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप आपका खोल दिया है। आप सोच रहे हो सत्या गुस्सा क्यों है, भाई गुस्सा तो होगा जब मुझे आंसर को लेके भेजेगा, तो भाई सीधी बात है छोड़ूंगा थोड़ी ना उसको मैं। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, जिनको मैसेज मिल चुका है चैट में वो इस व्हाट्सएप ग्रुप में यस और नो लिख के हुए, रिसीव मैसेज किया है तो टाइप यस रिसीव्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में लिखें सर, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने ओपन कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखें प्लीज, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखें यस, टाइप कीजिए, अगर रिसीव आपको लिया है, आपने रिसीव करा है यस, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, आपने रिसीव किया है, ठीक है, टाइप इन द कमेंट सेक्शन, टाइप इन द कमेंट सेक्शन इन्होंने रिसीव किया यस। देखिए आपके सामने चैट आ रही है, जस्ट ए मिनट, आपके सामने चैट आ रही होगी, मेरा सबको विजिबल होगा, देखिए आपके सामने चैट आ रही है, जस्ट ए मिनट, ये देखिए लोग सभी लोग आपके सामने चैट आ रही है, यस रिसीव, यस रिसीव। तो आप जब इतना कुछ व्हाट्सएप बिजनेस से कर सकते हैं, जब इतना कुछ आप व्हाट्सएप बिजनेस से कर सकते हैं, आप देखिए कि नहीं, इतना सिस्टम व्हाट्सएप बिजनेस में है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। पेमेंट इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैटलॉग कर सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं, ऑटोमेशन बिल कर सकते हैं, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सब मुफ्त है। तो आप ये तो कुछ भी नहीं, अब ये है जब आप फ्री कर रहे हो, और जब आप पेड कर रहे हो उसके लिए एपीआई काम आता है। तो मेक श्योर जब आप आगे बढ़ें, अगर आपकी ड्यू परमिशन हो तो मैं और आगे बढ़ता हूं ताकि इसके और फीचर्स व्हाट्सएप में, क्योंकि केवल व्हाट्सएप से काम नहीं चलेगा, व्हाट्सएप इज नॉट ए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, दोबारा बता रहा हूं, व्हाट्सएप इज ए एंगेजिंग प्लेटफॉर्म, आपको इसको एंगेजमेंट के लिए यूज करना है, मार्केटिंग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, मैंने इसको ऐसे एंगेजमेंट टूल की तरह लिया है, तो मेक श्योर आप इसको एंगेजमेंट टूल की तरह इस्तेमाल करें, मार्केटिंग का एंगल कम रखें, एंगेजमेंट के टूल ज्यादा रखें, और जितना एंगेजमेंट होगा उतने आपको फायदा रहेगा, ठीक है। तो अभी आपकी परमिशन हो तो मैं आगे चलें, अगर आगे चलें तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन और टाइप यस इन द व्हाट्सएप ग्रुप, आपके सामने व्हाट्सएप खुला हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिख सकते हैं, सबको दिख भी जाएगा, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा, और अभी आप आगे चलते हैं, ठीक है, यस। तो अभी ये आपका व्हाट्सएप मेन हो गया, ठीक है, मार्केटिंग, जस्ट अ मिनट, तो आपका ये मैं लिख दिया, जस्ट अ मिनट, ये आपका स्क्रीन शेयर कर दिया। तो जब आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हो, मेक श्योर
एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे. लगभग स्क्रीन विजिबल है आप सबके पास? अगर विजिबल है टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन. यस, मैं कमेंट आपके देख पा रहा हूँ. यस विजिबल है, हरि जी ने लिख दिया. ओके चलिए, तो आप जब लिख ये करते हैं ध्यान रखना, जब आप तो ध्यान रखना, अब आप यहाँ जब जाएंगे व्हाट्सएप बिजनेस में, व्हाट्सएप नॉर्मल में बहुत अंतर है. आप अपने कंपनी की प्रोफाइल लिख सकते हैं, क्विक रिप्लाई लगा सकते हैं आप, ठीक है, ऑटोमेशन इनबिल्ट कर सकते हो, गिव अवे मैसेज डाल सकते हो, लेबलिंग कर सकते हो, ये सब व्हाट्सएप बिजनेस में इनबिल्ट है. अब क्या होगा, आपको टाइम कितना लगेगा? सर टाइम लगता है आपको, पहले आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपकी जनरी कौन सी है, आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, टारगेट ऑडियंस पे क्या आपको डेटाबेस डालना है. मेक श्योर प्लान करना है, प्रोसीड करना है, उसके बाद आपको एडवांस करना है. तो कितना टाइम लगता है सर आपको बिल्डअप करने में? मिनिमम इट विल टेक 6 से 18 महीने लगेंगे आपको, 6 से 18 महीने लगेंगे करने में. आप सोचो कि एक दिन कर ले, नहीं होगा. आप देख पा रहे हो कि सत्ता के पास 4 लाख में से 1 नंबर पे आए हैं, वो ऐसे नहीं है. इट टेक्स टाइम, एक दिन में नहीं होगा आपका, इट विल टेक टाइम. 6 से 18 महीने लगेंगे आपको अपनी ऑडियंस बिल्डअप करने पे व्हाट्सएप पे, ठीक है. और जब ऑडियंस बिल्डअप करनी, मेक श्योर आप राइट क्वेश्चन पूछें, राइट उन्हें फोरम दें, राइट उन्हें वैल्यू दें. मेक श्योर दूसरा स्टेप आएगा, गिव समथिंग फ्री. कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना. आप पे बहुत सारे लोग मेरे फ्री वेबिनार में आते हैं, मैं फ्री करा रहा हूँ, मैं कुछ कई में तो कुछ मैं बेचते भी नहीं है. क्यों करा रहे हैं? ताकि ऑडियंस आए, बिल्ड करें ट्रस्ट, हम ट्रस्ट बिल्डअप करें. मेक श्योर आपकी ऑडियंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बिजनेस में सर? सबसे इंपॉर्टेंट से इज योर ट्रस्ट. अगर आपको भरोसा है आप दुगनी कीमत दे सकते हो किसी किसी चीज़, क्यों? आपको भरोसा है. तो मेक श्योर ये बहुत जरूरी है कि आपका तो बिजनेस है ना, बिजनेस में ट्रस्ट फैक्टर बहुत है. तो गिव वैल्यू, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग रिटर्न. जैसे आपकी वैल्यू बढ़ जाए, जैसे आपका ऑडियंस बिल्डअप बढ़े, आपको लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, देन आप कुछ अपनी सर्विस सेल आउट कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ सब कुछ बेच रहे हैं, आप बेच रहे हो, मैं बेच रहा हूँ, सब कुछ बेच रहे हैं. अगर हम बेचेंगे नहीं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो मेक श्योर अगर आप कोई सर्विस, कोई वैल्यू, कोई चीज आप देखते हो एट अ राइट प्राइस, एट अ राइट ऑडियंस, तो आप अपने ज्यादा ऑडियंस का भला कर रहे हो. तो मेक श्योर बिल्ड योर ऑडियंस, एड वैल्यू फर्स्ट, देन पीपल आपको जी, आप पीपल को वो दीजिए जो पीपल चाहते हैं, और धीरे धीरे आप उस पर सेलिंग कर सकते हैं. व्हाट्सएप से सेलिंग कर सकते हैं, आपको वेबसाइट की आवश्यकता नहीं है, पर मेक श्योर वेबसाइट हो तो अच्छी बात है, ठीक है. तो आपको बस ये पहला सिस्टम आपको पता लग गया. अब इसके बाद हम आएंगे, देखिए इसके बाद हम आएंगे कि व्हाट्सएप में क्या क्या चीजें और है. ऑटोबॉट्स है, लेबलिंग मैंने बताया, पेमेंट इंटीग्रेशन है, बिजनेस इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, अपने प्रोडक्ट शो कर सकते हो. एपीआई जो ब्रह्मास्त्र एक तरह का आ चुका है, जहां पेड व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हो, पेड, ठीक, जहां आपका नंबर ब्लॉक नहीं होगा. और दूसरी बात, पूरा डेटा को माइन कर सकते हो आप गूगल फॉर्म स्पेशली बना के, उसमें ऑटोमेशन इनबिल्ट कर सकते हो. कैसे व्हाट्सएप ब्लास्टर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है, ये सब हम सिखाने वाले हैं आपको आगे के कोर्स में जो हम कराने वाले हैं. लोकमान सर इट इज अप टू यू सर, अब आप संभालें सर, क्योंकि ऑडियंस एंगेज करना बहुत जरूरी होता है. ऑडियंस एंगेज तब करोगे जब आपको खुद का एड डिजाइन करना है, खुद का इंट्रो वीडियो बनाना आपको आए. तो इस कोर्स में जो हम बताने वाले हैं, बहुत चीजें बताएंगे. सबसे पहले हम बताएंगे कि डेटाबेस एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, ठीक है लोकमान सर? यस सत्या. तो पहले हमारी ऑडियंस को बताएं कि डेटाबेस एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, उसके बाद हम कोर्स की बात करेंगे सर. सत्या आप अपना स्क्रीन मुझे देंगे प्लीज? यस सर. यस, नमस्कार दोस्तों, और धन्यवाद सत्या, आपने इतने कम समय में इतनी अच्छी बातें बताई हैं. तो दोस्तों, डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं? व्हाट विच यू हैव टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम वेरियस चैनल्स, वेरियस प्लेटफॉर्म्स. तो सबसे पहले हमने ये देखा मार्केट में कि जब भी लोगों को डेटा चाहिए होता है तो क्या करते हैं, किसी से डेटा खरीद लेते हैं, बाहर से डेटा परचेज करते हैं. तो जो लोग बाहर से डेटा परचेज करते हैं उनको एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है कि उस डेटा को कैसे सेग्रीगेट करें. बाहर का डेटा लाखों में एंट्रीज होती हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, लाखों में आप मैसेज उस पर भेजते हो और कुछ चंद जवाब उसके आते हैं, लीड जनरेट कम होते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है. तो वो डेटा रिलायबल डेटा नहीं होता जो मार्केट से हम जनरली खरीदते हैं. कोई बहुत स्पेसिफिक कैटेगरी का डेटा अगर आपने खरीदा और वो रिलायबल निकल गया तो वो बहुत एक्सेप्शनल केस होता है दोस्तों, बहुत एक्सेप्शनल केस. हमने बहुत सारे डेटा परचेज किए हैं, हमने बहुत अपने हाथ जलाए हैं, बहुत पैसा खर्च किया है,
जो चीजें काम किया है वो आपको बताएंगे, जो चीजों ने काम नहीं किया वो आपको नहीं बताएंगे। तो बाहर से डेटा हमने लिया वो हमारा काम नहीं किया। बहुत सी आपने पूछा मुझे पूरा एचआर का डेटा दे दो, इंडिया का डेटा दे देंगे, एंड यू वुड नॉट बिलीव जब आप कॉल करोगे या उस पर मैसेज भेजोगे तो वो बंदा ही हुआ नहीं होगा या चेंज हो गया होगा। तो ये सारी चीजें मार्केट में चलती हैं। तो अब इससे कैसे बचें? आप लोग बिजनेस करना शुरू कर रहे हो, अभी स्टार्टअप मोड में हैं या एक्सपांशन मोड में हैं, अभी आप शुरू करने वाले हो और आपको अभी से 1 लाख 2 लाख 5 लाख कॉन्टैक्ट नंबर्स पर मैसेज शूट करना शुरू हो, तो पहले तो आप अपना व्हाट्सएप का नंबर ब्लॉक कर लेंगे, या नंबर ब्लॉक नहीं हुआ तो बहुत सारे पैसे खर्च कर देंगे किसी से करवाना है तो। पर आपको जो रिजल्ट चाहिए, जो राइट क्लाइंटेज चाहिए, उसमें आपका प्लेसमेंट नहीं होता। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका, जो लोग एक्सपांशन में या स्टार्टअप्स में है या जो सोच रहे हैं उस तरफ जाने की, सबसे बढ़िया डेटा है कि आप पहले ऑर्बिट से शुरू हो, फर्स्ट ऑर्बिट से शुरू हो। फर्स्ट ऑर्बिट किसे कहते हैं मार्केटिंग की लैंग्वेज में? जो दोस्तों हमारे कॉन्टेक्ट में जो लोग हैं, जो हमें जानते हैं, जिनके नंबर्स हमारे पास हैं, या जो लोग हमें वाई फेस जानते हैं, वाई नेम जानते हैं, वाई वर्च्यू जानते हैं, हमारे नोन हैं, फ्रेंड्स हैं, कम्युनिटी है, सोसाइटी है, नियर वाई लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, ये जो सारी कम्युनिटी है, जो फर्स्ट हैंड कम्युनिटी आपकी, पहले आप अपनी वहां कम्युनिटी बनाने की, बिजनेस कम्युनिटी बनाने की कोशिश करें। वो बिजनेस कम्युनिटी कैसे बनेगी कि पहले आप उनके डेटा इकट्ठे, आपके पास ज्यादातर के हैं, नहीं है तो आप अपने दूसरे सोर्सेज से अरेंज कर लेंगे। अब वो सोर्सेज कौन से होंगे? वो सोर्सेज सबसे पहले आता है आपका फेसबुक। फेसबुक पर आपके हजारों फ्रेंड्स हो सकते हैं, सैकड़ों फ्रेंड्स हो सकते हैं। दोस्तों वहां से हजारों और सैकड़ों जो फ्रेंड हैं, उनके सबके फोन नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर आप निकाल सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे निकाल सकते हैं। एक तरीका आपके पास ये है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे नंबर हैं, वहां दो तरह का डेटा आपके पास होता है दोस्तों। एक डेटा वो जिसमें कुछ ग्रुप्स हैं जिन पर आप अपना कुछ मैसेज नोटिफिकेशन भेज सकते हो, वहां आपको अलाउड है। कुछ ऐसे ग्रुप हैं जहां पर आप अपना नोटिफिकेशन, अपना कम्युनिकेशन नहीं भेज सकते। तो अब आपके पास चैलेंज है कि जहां मैं एडमिन राइट्स मेरे पास नहीं है, या एडमिन ने मेरे को ओपन नहीं किया हुआ, सिर्फ एडमिन मैसेज भेज सकता है, मैं नहीं भेज सकता, तो उन लोगों तक मैं अपनी बात, अपना बिगुल, अपना वाजा, अपना एडवर्टाइजमेंट, अपना कम्युनिकेशन, अपना नोटिफिकेशन कैसे भेजूं? तो ये चैलेंज होता है। तो उसको निकालने का भी एक तरीका है। अब मैंने आपको दो तरीके बताए। एक तो दोस्तों फेसबुक से जितनी भी आपकी फ्रेंड लिस्ट है उसका डेटा सारा निकाल लोगे, और दूसरा आपके व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप और कॉन्टेक्ट्स हैं उसका डेटा आप चंद सेकेंड्स में निकाल दोगे। दो तरीके। तीसरा तरीका है आप लिंक्डइन से डेटा निकालें। आपके लिंक्डइन पे जितने लोग हैं उनका डेटा निकाल लो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वो आपको रिपोर्ट नहीं करेंगे, आपको स्पैम रिपोर्ट नहीं करेंगे, और स्पैम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका काम बन गया। यानी पहला ऑर्बिट खड़ा हो गया आपके बिजनेस का, पहला क्लाइंटेज, इमीडिएट करंट क्लाइंटेज आपका खड़ा हो गया, या जो आपके अभी कस्टमर हैं वो सारे डेटा को आपने इकट्ठा कर लिया। तीन सोर्स मैंने बताए दोस्तों अभी तक। चौथा सोर्स है गूगल मैप से डेटा निकाल सकते हो। यस, चौथा सोर्स है आप गूगल मैप से डेटा निकाल सकते हो, जस्ट डायल से डेटा निकाल सकते हो। दोस्तों ये पांच सोर्सेज आपके पास हो गए। टेलीग्राम से डेटा निकाल सकते हो आप, ट्विटर से डेटा निकाल सकते हो। इतने सारे ऑप्शंस हैं जहां से डेटा निकाला जा सकता है, पर किसका? आपका अपना, अपनी फ्रेंड लिस्ट का। आप कोई चोरी नहीं कर रहे हो, आपके अपने लोग हैं, उनका डेटा अगर निकाल के आप एक जगह इंटीग्रेट कर दो उसको और उनको मैसेज भेज दो, तो आपको पहला जो ऑर्बिट है जो इन्फ्लुएंस कर सकते हो आप, वो सब आपके लिए तैयार हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं वो डेटा निकालोगे कैसे। तो ये डेटा निकालने के लिए हमारे पास छोटे छोटे से सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों। इन सॉफ्टवेयर्स को अगर हम यूज करेंगे तो बहुत आसानी से हम ये डेटा निकाल पाएंगे, और मैं आपको वो सारे सॉफ्टवेयर्स दिखाने वाला हूं अभी। मेरा स्क्रीन सत्या विजिबल है आपको?
आपने मीटिंग लॉक लॉक कर दी सर क्या अभी? यस, मीटिंग लॉक है, आप अनलॉक कर सकते हैं अपने एंड से। कहाँ से सर? एक मिनट मैं अनलॉक करता हूँ, अभी मीटिंग अनलॉक है सत्या, और वेटिंग रूम इनेबल्ड है, आप वेटिंग रूम से लोगों को स्क्रीन करके ले सकते हैं। ओके ठीक है सर। मेरा अभी विजिबल है आपको? यस सर विजिबल है सर। ये दोस्तों ये एक सॉफ्टवेयर है, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर में हम क्या कर सकते हैं, ये यहाँ अपनी फेसबुक की आईडी डालेंगे, जो हमारी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, वो फेसबुक से कॉपी करेंगे और यहाँ रख देंगे। उसके आगे पहला बटन है माय फ्रेंड लिस्ट, तो जितने भी आपकी फ्रेंड लिस्ट में कॉन्टेक्ट हैं, वो हार्डली 5 मिनट लेता है सारे के सारे फैच आउट करके, और आपको एक एक्सेल सीट क्रिएट कर देगा, और आप उस सीट से उस डेटा को यूज कर सकते हैं अपना कम्युनिकेशन भेजने में। व्हाट्सएप से एक बार में मैसेज भेजे जा सकते हैं, वो भी बताऊंगा कैसे भेजेंगे। तो पहले आप अपनी फ्रेंड लिस्ट निकाल सकते हैं, फिर किसी भी फ्रेंड की आईडी लेके उसमें से उसकी पूरी फ्रेंड लिस्ट निकाल सकते हैं, फिर उनमें से किसी की आईडी लेके उसकी पूरी फ्रेंड लिस्ट निकाल सकते हैं, फिर उसके भी आगे एक और कैटेगरी में माय फ्रेंड ऑफ फ्रेंड जा सकते हो, यानी 4 लेवल तक आप नीचे जा सकते हो, और उस 4 लेवल में आप नाना करते लाखों लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर निकाल सकते हो। तो ये दोस्तों हमारे पास एक ऑप्शन है कि यहां इसे आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करके और आप अपना फेसबुक का डेटा निकाल सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन मैं बताता हूं दोस्तों कि दूसरे सर आप आगे चलिए सर। यस सत्या मैं आगे जा रहा हूं, और मैं अभी ओपन कर रहा हूं, आई टेक 1 मिनट। अब दोस्तों मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं ये बड़े गजब का सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर का नाम है वल्क व्हाट्सएप सेंडर कम ग्रुप ग्रेवर। तो ये 3 तरह के काम करता है अकेला सॉफ्टवेयर। एक तो ये काम करता है कि जितने भी व्हाट्सएप नंबर आप इसको बताओगे, एक लिस्ट दे दोगे, उस लिस्ट में से ये बता देगा फिल्टर करके कि कितने नंबर व्हाट्सएप पर हैं और कितने नंबर व्हाट्सएप पर नहीं हैं, ताकि आपका जो पैसा खर्च हो वो आपका पैसा नहीं खर्च हो और आपकी अननेसेसरी एनर्जी उस पर नहीं जाए। अगर 1 लाख कॉन्टैक्ट आपने बाहर से लिए हैं तो आप देखेंगे कि उसमें 30,000 कॉन्टैक्ट जो ऐसे होते हैं जिस पर व्हाट्सएप है ही नहीं, तो वो ये फिल्टर करके अलग कर देगा 30,000 कॉन्टैक्ट्स, वो अलग हटा देगा और जो व्हाट्सएप पे उनकी लिस्टिंग अलग कर देगा, एक काम। दूसरा काम क्या करेगा, जितने भी यहां देखेंगे ग्रुप ग्रेवर लिखा हुआ है, जितने भी ग्रुप हमारे पास व्हाट्सएप में है उनमें से एक एक करके सारा डेटा बाहर निकाल देता है, सारा डेटा बाहर निकाल देता है, यानी किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे तो उसका डेटा वो बाहर निकाल देगा। आप चाहें तो मैं आपको एक इसका सैंपल दिखा देता हूं कि कैसा डेटा बाहर निकालता है वो। मैं 1 मिनट में आपको सारा वो डेटा दिखाने वाला हूं। मैं किसी एक ग्रुप को ओपन कर रहा हूं अभी, ये देखिए दोस्तों मैंने ये एक बी ह्यूमन कैलकुलेटर, एक मेरा ग्रुप है उसमें जितने भी कॉन्टेक्ट हैं इसने पूरे के पूरे कॉन्टेक्ट्स इस फॉर्मेट में मेरे को नोटपैड पे ला दिए। अब इस नोटपैड से मैं इस फाइल को, मैं एक्सेल की फाइल बना सकता हूं, सीएसवी की फाइल बना सकता हूं, या